वायुसेना गरुड़, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार, भारतीय वायुसेना। दिनांक 10 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 की देर रात भारतीय वायुसेना के इन तीनों शूरवीरों को झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट की पहाड़ियों में रोप वे की केबल कार में फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने का कार्य सौंपा गया। त्रिकुट रोप वे 3000 फीट की ऊंचाई पर केबल कार से जाने वाला भारत के सबसे ऊंचे सीधे रोप वे में से एक है। इस मिशन के लिए हेलीकॉप्टर को हवा में एक जगह पर स्थिर रखना आवश्यक था, जिसमें कोई बाहरी सहायता उपलब्ध नहीं थी। इस मिशन में केबल का हेलीकॉप्टर से टकराने का अत्यधिक खतरा था, किंतु ग्रुप कैप्टन कांडलकर ने बाधाओं के इतने समीप होते हुए भी बहुत सटीकता से हेलीकॉप्टर को हवा में स्थिर रखा। पहले हिलती हुई केबल कार के बीच से गरुड़ कमांडो को नीचे उतारा गया और फिर इन्होंने तीर्थ यात्रियों को रोपवे केबल में उलझाए बिना विंचिंग ऑपरेशन के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल बहुत ऊंचाई से लटकती हुई केबल कार पर विंच द्वारा हेलीकॉप्टर से सबसे पहले उतरने के लिए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्वेच्छा से आगे आए और 9 तीर्थ यात्रियों को बचाया। इस बचाव कार्य को तेजी से करने में लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर इस बचाव कार्य में उन्हें बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा। फिर भी उन्होंने एक तीर्थयात्री की जान बचाई। अदम्य साहस का परिचय देते हुए एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए उन्होंने 12 तीर्थयात्रियों को बचाने में सहायता की। इस पूरे मिशन के संचालन के दौरान 10 केबल कारों से कुल 35 यात्रियों को सुरक्षित किया गया। ग्रुप कैप्टन योगेश्वर कृष्णलाल कांडलकर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन सुनील कुमार।